हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है सालिनीज़ कुकिंग लाइफ में। तो आज मैं आपसे बच्चों की फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ग्रीन ग्रेप्स पॉप्सिकल्स की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं ये पॉप्सिकल बनाते कैसे हैं। पॉप्सिकल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट हमें चाहिए चीनी, नींबू का रस और ब्लैक सॉल्ट। तो सबसे पहले हम चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून चीनी लिया है। आप अंगूर के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही चीनी लें, जिससे अंगूर का खट्टापन को चीनी अच्छे से बैलेंस कर देती है। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं रहता है अंगूर। तो अब हम इसमें अंगूर भी ऐड कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस, नींबू का रस। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पॉप्सिकल्स में। एंड लास्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/5 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हमें इसे एक राउंड देना है ग्राइंडर में, अच्छे से ब्लेंड करना है इसे। तो देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ वाटर और इसे दोबारा से ग्राइंड करेंगे, जिससे इसका हमें एक अच्छा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी मिल जाए और इसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ दिख रही हैं वो भी ख़त्म हो जाए, अच्छे से ग्राइंड हो जाइए। तो हम इसे दोबारा से एक बार मिक्सी में चला लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरह से ग्राइंड हो चुकी है, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। आप चाहें तो आप इसे छान भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अंगूर के कुछ रेसेस हैं तो आप इसे छान भी सकते हैं। अब हम इसे पोर कर देंगे किसी भी मोल्ड में, या फिर आप ऐसे ग्लासेस में भी इसे पोर कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पॉप्सिकल्स के मोल्ड है तो आप उसका यूज़ करें, और अगर नहीं है तो आप किसी भी ग्लास में या किसी भी कप में आप इसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें स्टिक ऐड कर रहे हैं और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फूड कलर ऐड नहीं किया है, तो ये बिल्कुल नेचुरल कलर पे है। अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा आइसक्रीम बिल्कुल सेट है, तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल सा कलर आया और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, और बच्चों को खास करके ये बहुत पसंद आता है। तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और मुझसे अपने थॉट्स शेयर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। मुझे फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इंस्टा पे भी।